सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में राज्यपाल के फैसले को पलटा। येदियुरप्पा सरकार को कल शाम 4 बजे साबित करना होगा बहुमत। गवर्नर ने दिया था 15 दिन का समय। सीएम शिवराज आज गंज बरसौदा बैतूल का करेंगे दौरा। तेंदुबनता संग्राहक सम्मेलन में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री के साथ एक वक्त है केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, तो दूसरी तरफ नितिन गडकरी रहेंगे मौजूद। सीएम रमन सिंह का कोरिया कोरबा दौरा आज। दोनों जगह विकास यात्रा में होंगे शामिल। जनता को देंगे करोड़ों की विकास कार्यों की सौगात। सीएम योगी आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से करेंगे मुलाकात। यूपी मंत्रिमंडल में फेरबदल किए जाने पर हो सकती है चर्चा। मिशन 2019 को भी लेकर तैयारियां होंगी तेज। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन। बिलासपुर और दुर्ग में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष। कर्नाटक में बीजेपी सरकार बनाने का विरोध। भोपाल में कांग्रेस सुरेश पचौरी के नेतृत्व में देंगे धरना। रोशनपुरा से राजभवन तक रैली निकालकर राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज से 3 दिन के दतिया प्रवास पर। जनता को देंगे विकास कार्यों की सौगात। कल मां पीताम्बरा पीठ और शनि मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। ग्वालियर में कार पलटने से 4 लोगों की मौत, 4 बच्चे घायल। मरने वालों में 1 बच्चा और 3 महिलाएं। रायपुर पुलिया के पास हुआ दर्दनाक हादसा। खरगोन के गसरावत में 2 गांव की महिलाओं का हल्ला बोल। नर्मदा किनारे खुलेआम चल रहे शराब के अवैध कारोबार का किया विरोध। तहसील कार्यालय में प्रदर्शन करने के साथ ही जमकर किनारेबाजी। और यूपी दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों में तूफान की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोगों में फिर दहशत का माहौल।